वीडियो जा चुका है हमारा, जो आप भी आपने देख लिया होगा रेड हैंड्स का। तो वो वीडियो आई गेस मेरे को, मेरा कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बट वीडियो क्लिप्स थी मेरे पास। मैं मतलब वो इसमें थी, वर्टिकल में थी, मेरे को हॉरिजॉन्टल में चाहिए थी, बट वो तभी नहीं हुआ। मैं शॉर्ट्स डालने वाला था, बट मैं सोचा बहुत बड़ा वीडियो तो डाल देते क्योंकि अच्छा हो जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा कुछ, तो मैंने सोचा फाइनली डाल देते। चलो तो अभी ये देखो यहाँ पे गया है वीडियो, अभी जस्ट 225 को मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो अचानक मैं भयानक डायरेक्ट वीडियो डायरेक्ट गया, ना ही कुछ स्टोरी, ना ही मैंने कुछ डाला है। अभी जाके फिर स्टोरी डालूँगा, तो आपने देख लिया होगा कैसा लगा। और उसमें बहुत सारा चिल्लाना, लिटरली चिल्ला रहे थे लोग, ऐसा मार खा रहे थे हाथ पे। मैं तो बस वीडियो निकाल के एंजॉय कर रहा था क्योंकि मेरे को अंदर से दुख रहा। तो अभी आप भी जाके ज़रूर देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो देखना, इसे भी लाइक करना, उसे भी लाइक करना और शेयर करना ज़रूर, और कमेंट करना वो वीडियो कैसा लगा और किसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा लगा वो बता। ठीक है, अभी अपन निकलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम पहुँच चुके हैं हमारे पुराने घर पे। लिफ्ट देखो कितना पुराना, ठीक है ना, क्या ही कर सकते है। थर्ड फ्लोर पर, वहाँ भी थर्ड फ्लोर, यहाँ भी थर्ड फ्लोर। और अभी आपने और ये रेड हैंड्स वाला वीडियो देख ही लिया होगा। अभी यहाँ पे ये घर दिखाता हूँ आपको कैसा है, टूर देता हूँ। अभी तो काम चल रहा है मतलब इतना कुछ खास दिखेगा भी नहीं, बट ठीक है दिखा। ये देखो अपना घर लगता है ना अभी। और ये मेरा छोटा सा हमारा लॉबी, पहले इधर ही खेलता था, और यहाँ पे मैं फटाके जलाता दिवाली के। अभी मैं अंदर भी दिखाता हूँ आपको, बहुत बेकार बारिश हो रही है मार्केट में, यहाँ पे रखते हैं। तो ये देख, ये हमारा हॉल पहले का, ठीक है। ये जो ये आप देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसे, ये एक सोफ़ा था तो उसको हम इधर लगाते थे। और आज हमारा घर पे कोच है ना, वो ऐसा यहाँ पूरा आता था, और थोड़ी सी जगह रहती थी वो साइड की, उधर से अपन बालकनी में, और बालकनी में हमने इतने सा बैठने के लिए बनाया। मतलब पहले तो मेरे को ये बहुत बड़ा लगता था। और यहाँ पे ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसका बैन हो गया क्या पता। और हम लोग उधर भी गए, जो वो आपको पैसेज दिख रहे हैं ना, हम उधर भी गए लिटरली। और ये हमारा हॉल, और ये हमारे बाजू वाले किधर गए क्या पता, बट ये हमारा हॉल। यहाँ पे टीवी आएगा, यहाँ पे ये फिल्म सो के मैं देखता था। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी जो कोच आते थे ना, दो सेपरेट वाले, एक अपना एल बड़ा वाला था और एक सोफ़ा आता था तो उधर, और फिर उसके बीच में से यहाँ दोनों साइड पे, और फिर चार्जर। और यहाँ पे मेरा शेल्फ आता था जो बाहर रखा था ना हमने, वो यहाँ पे आता तो ऐसे सीन था। तो ये था, और ये तो ये अभी अभी कराया ये सब। और ये तो, हाँ ये पहले से ही था। और जो आपको वो ये दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रही है ना कांच की, वो यहाँ पे आती थी, और यहाँ पे पूरा डीवीडी सेटअप से लेके सब वो रहता था, ये था। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, टेबल आता था बड़ा वाला, सबसे मेस्ट वही रहता था। कैमरा ब्लर हो गया रे मेरा, बहुत सही। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो वॉशरूम है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जितना भी ये, तो ये जो एंट्रेंस है ना, इस पर मैं खड़ा करता था ऐसे, दोनों हाथ ऐसे दोनों साइड, और दोनों साइड पैर, और ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता था। और यहाँ पे मेरा सर हर बार था, और फिर मैं वहाँ से जंप कर, तभी बहुत छोटा था। अभी ये अपना बात वॉशरूम है, ये अपना बेसिन है, ये हमारा बेड रूम, जो कि अरे दीदी आयुष बढ़ गया। ये अपना बेडरूम, बड़ा सा बेडरूम, देखो ये ये तो इतना ही है। अभी सब पेंट चल रहे हैं, तो अपने मम्मी तो आज चाका एकदम चकाचक रखती है एकदम। और ये देखो यहाँ पे हमारा जो मंदिर था ना भगवान का, वो यहाँ पे आता था ऊपर। और ये पूरा बेड है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा बेड। और ये इतना स्पेस था, ये इतना स्पेस इतना रहता था। तो अभी तो बहुत याद आता है, और अभी बहुत छोटा लगता है ऐसा, बट इन द सेंस बहुत अच्छा। यहाँ से नीचे, अभी तो इतना बारिश गिर रहा है ना, क्या ही बोलिए। देखो ये पहले ये नहीं था, तो अपना पाम बीच रोड है ना, पूरा दिखता था।
और ये देखो ये आंटी इधर ही है, सालों से आंटी इधर ही, क्या कर रही है क्या बता, उनका पानी अभी तक भर ही नहीं रहा। ऐसा सीन है, बहुत सही है, एकदम प्रॉपर हो चुके हैं, बना है वगैरह। तो ये पुराने घर वाली वाइफ भी अलग है, एकदम सेक्सी। और ये देखो ये वार्डरोब बहुत छोटा है, शिवलिंग में बहुत छोटा है, और ये हमारा डोर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको इस रूम की, मतलब बेडरूम की सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो हमारे कॉलेज में जो ये होता था ना, अभी कॉलेज सॉरी स्कूल, हाँ स्कूल में हम लोग के स्पोर्ट्स डे होता था, तो हम लोग जस्ट सेकेंड डे अपर प्राइमरी हो गया था, हम लोग सेकेंड डे में आ गए थे, तो वहाँ पे हाई जंप करके एक स्पोर्ट था, तभी मेरे को हमें पता ही नहीं क्या था, ठीक है। तो फिर तभी मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, तभी मैंने देखा, मैं सोचा क्या है ये क्या है, और वॉशरूम जब भी जाता था उनका सिलेक्शन वगैरह सब करता है, मैं सोचा मैं भी ट्राई करूँगा। तो मेरा स्पोर्ट्स डे का हो गया, स्पोर्ट्स डे के लिए तो मैंने क्या किया, जो अपना पैंट रहता ना, पैंट पैंट का जो क्या बोलते हैं अपन टाई करते ना पैंट को, जिस नाड़े से नाड़ा सॉरी, उसको यहाँ पे लगाता था मैं, ये एंड से लेके पूरे बालकनी के ये एंड तक, मतलब ये जो बाहर का दिख रहा है ना आपको, ये इस रोप तक मैं फुल टाई करता था, ठीक है। और बेड की हाइट कुछ कुछ इतनी थी, इतनी अभी तो बड़ा हो, तभी तो छोटा था, इतनी हाइट थी, हाँ। तो मैं सीरियसली यहाँ से रोप यहाँ तक पूरा इधर तक, ये इतनी रोपा क्या, और आधी ऐसी ऊपर जा रही, मतलब आप देख सकते हो ये ऐसी रोप है, ऐसी रोप थी ना ही, ऐसी फुल ऐसी, और वो जो उनका स्टैंड रहता है वो स्ट्रेट है। तो मैं क्या करता था, ये बाहर से है ना, ये पॉइंट से फुल भाग भाग के आता था, हाँ। और ये जो बेड है, बेड के ऊपर एक जो अपना फुट रखता था, और ऐसे जंप करता था, और यहाँ पे बेड तो इतना ही ख़त्म, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था बेड, इतना सा ही, हाँ। यहाँ ये टाइल से लेके ये लास्ट टाइल तक उतना ही, और उसके पीछे बॉल, मतलब उसके पीछे वो वुडन का ये, तो जंप और डायरेक्ट उस पर डायरेक्ट ऐसा गिर जाता, ठॉप ठॉप ठॉप, और यही प्रैक्टिस कंटिन्यू थी। और आप मानोगे नहीं इतना, मतलब ये प्रैक्टिस करने का, अगले साल हम लोग को वही था हाई जंप था, तो मैं सिलेक्ट हो गया था, मतलब प्रैक्टिस इधर करके मैंने प्रैक्टिस कैसे की सोच सकता हूँ। और जो एक बार अगर मैं गिरता था ना, जो ऐसा लैंड करते ना, तो वो रूप पे पैर गिर रहा, तो ये ना ये ऐसा ठॉप करके जो खुलता था ना भाई, गलत और मम्मी फुल डाली फुल एकदम गलत। और मैं तो क्या पूरा कुशन सुशन सब यहाँ पे रखता था बेड पे, और फिर पूरा स्पीड से भाग के आने का, जंप करने का, और जंप करने के बाद फैन ही नहीं चल रहा, माँ कैसे फैन में बहुत गर्म हो, और जंप करता था, और फिर ऐसे हाई जंप की प्रैक्टिस की, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं क्वालिफाई किया, फिर मैं कुछ फोर्थ आया हाई जंप में, थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ आया थोड़े से के लिए, मेरा ये जो ये था ना क्या बोलते हैं उसका जो रॉड था ना वो गिर गया, थोड़ा हल्के के लिए गिरा, और फिर उतना हुआ, और फिर वहाँ पे मैं गिर गया। फिर मेरे को एथलेटिक्स के DSO पे भी लेके गए, वहाँ पे तो इतना बड़ा मैट था मेरे बेड के, मतलब अभी ये आप देख रहे हो इतना इतना मैट था, इतना बड़ा तो मैट ही था, और उसके ऊपर इतनी सी क्या बोलते हैं उसको, तो बहुत गलत से एकदम, उधर तो बहुत डर लग रहा था, बट किया हमने, हम जीते तो नहीं, बट ट्रायल और एक्सपीरियंस अच्छे से। तो हाई जंप मेरा फेवरेट था, अभी भी बड़ा, अभी कॉलेज में हो गए थे यहाँ पे AC रखा था, तो यही। और हमारा किचन, हाँ ये हमारा किचन स्वीट सा छोटा सा, यहाँ पे वो मम्मी का बर्तन वगैरह रखने का, ये नया बनाया था हमने, अभी भी अच्छे से। और यहाँ पे प्योरिट आता था हमारे, देखो प्योरिट का मार्क है अभी, ये इतना, मतलब पहले रेंट पे था, पर फिर भी उनने क्या पता किधर से मार गया। यहाँ पे फ्रिज छोटा, एकदम छोटा का, एकदम नया वाला नहीं, अपना एकदम छोटा वाला फ्रिज, और बहुत सही था। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, तो नीचे आपको दिख रहा होगा स्पेस अपना नीचे का ग्राउंड फ्लोर का, तो यहाँ से मेरे को सब लोग आवाज़ देते थे खेलने बुलाने की। सर्वेश अगर तो देख रहा है तो तुझे याद होगा, तू यहाँ से ही साइकिल लेके खड़े रह के सब आवाज़ देते, A to Z सब फ्रेंड्स यही पे आवाज़ देते थे, और बहुत सही, मतलब क्या बोल रहे हो, बहुत अच्छा लगता एकदम से। और ये हॉल अभी अपने को इतना, जब भी था पहले का फोटो शायद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा मेरे पास, होप सो सेल्फीज रहेंगे। एक सेल्फी है मेरा इंस्टा पे, उस पर ये हॉल है, ये दो इधर से, नहीं तो ये साइड कौन सा, तो एक साइड है,
हॉल हॉल का। और आप बाहर देखोगे तो ये इतनी सी लॉबी हमारी, आई नो क्वालिटी नहीं है कैमरा की बिल्कुल, घंटा क्वालिटी। अरे हाँ, अरे यही बेड था, यही टेबल था, यही टेबल था, सॉरी सर। और ये टेबल पूरा मेस्ड अप रहता था, इसके अंदर क्या है? अरे ये कुछ नहीं, ये पूरा भरा हुआ रहता था, पता है सब डॉक्यूमेंट्स से लेके सब। और इधर हम खेलते थे, सुब्बू अगर तू देख रहा है, अर्जुन तू देख रहा है, तो तू और मैं हम इधर बहुत खेले। और हम लोग को बारिश गिर रही होगी तो हम लोग क्रिकेट भी यहाँ पे खेलते थे, यहीं पे लिटरली इतनी सी जगह पे। आप देख रहे हो उसको दिखा दो, देखो इतनी सही जगह है, इतनी सही जगह कैमरा में भी देखो बैठ रहे, इतनी सही जगह था उसमें हम लोग खेलते थे, तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। अभी भी बहुत सही एक्सपीरियंस लगता है, याद बहुत आती है, फिर भी क्या करें। जो बहुत छोटा है फिर भी ठीक है, बट ये अच्छा फ्रेम लग रहा था मेरे को, इसके लिए मैं यहाँ पे एंड कर रहा था। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन जरूर दबाना, एक लाइक बहुत होता है। और ये देखो ये अपना बाथरूम एकदम मस्त मस्त, मतलब पहले अलग था, पहले नॉर्मल टाइल्स थे, अभी तो ये देखो ये टाइल्स एकदम डिजाइनिंग वाले, बहुत सेक्सी लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, दिस इज योर वन एंड ओनली अच्छा वो ब्लॉग साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर वेरियस वीडियोस आएंगे जरूर, अभी छोटे छोटे करके डालूंगा। तो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, अमीगोस अमीगोस बाय बाय। और अपना ख्याल रखना, बारिश बहुत है, बहुत घूमना मत क्योंकि मैं घूमता हूँ, फिर भी आप भी मत घूमो क्योंकि भीग गए ना, बीमार बहुत बेकार पड़ रहे। ठीक है मिलते, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, बाय।